मैं माता कामाख्या और महाहर धाम को प्रणाम करता हूं। बनारस वालों के लिए तो गाजीपुर आना ऐसा ही है जैसे बगल के मोहल्ले में आ गए। बनारस वाले अगर गाजीपुर आए जालन और केहू फोन करे तो कहलन, अरे यही घरे में है बतवा। इसलिए मैं भी गाजीपुर प्रचार करने नहीं आया हूं, अपनी माताओं बहनों का और आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। और ये जनसमूह, ये जोश पूरे यूपी के साथ, और गाजीपुर जरा ताकत से कह रहा है, फिर एक बार साथियों, हमारे गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है ये इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है। ये पराक्रम और शौर्य की गाथाएं बताती है। डॉक्टर शिव पूजन राय, भागवत मिश्रा और मैगर सिंह जैसे सेनानी, वीर अब्दुल हमीद, राम उग्र पांडे और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीर गाजीपुर की परंपरा और गाजीपुर का गहमर गांव, ये नाम ही काफी है। हर घर से जहां जांबाज निकलते हो, ये गौरव गाजीपुर के अलावा और किसे मिला होगा क्या? पूरा देश इस मिट्टी का ऋणी है। भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच कई बार आने का अवसर मिला है, चाहे संगठन का काम करता था या चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री था या लोकसभा में चुनाव का समय हो, विकास के काम हो। मैं जब भी गाजीपुर आता हूं तो मुझे एक पुराना प्रसंग बार बार याद आता है। ये प्रसंग इस बात का गवाह है कि कैसे इंडी वालों ने गाजीपुर के साथ विश्वासघात किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने कसम खा ली थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगी। यहां के लोग गरीबी में गुट गुट कर जीने को मजबूर रहे। पुराने लोगों को पता होगा, यहां की तकलीफ को सबसे पहले हमारे गहमरी बाबू ने उठाया था। उन्होंने पार्लियामेंट में नेहरू जी को यहां की स्थिति बताई और आंख में आंसू के साथ बाबूजी ने कहा,
कि कैसे यहां के लोग जानवरों के गोबर से गेहूं बीन करके खाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उसमें भी राजनैतिक मौके तलाश लिए, सियासी ड्रामे हुए, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए पटेल आयोग बना, रिपोर्ट आई, फिर फाइल धूल फांकने के लिए छोड़ दी गई। साथियों, आज मुझे कितना संतोष होता है कि हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के इतने बड़े संकट में भी सरकार ने गरीब को भूखे नहीं सोने दिया, गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। मुफ्त राशन की योजना पर आज मोदी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, किसके लिए, ताकि आज फिर किसी गरीब को वो परेशानी ना उठानी पड़े जो उसने कांग्रेस सपा के राज में उठाई है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों को कभी भी आपकी परवाह नहीं होगी। आप याद करिए, कांग्रेस कैसे सरकारें चलाती थी। ताड़ी घाट पुल का शिलान्यास हमारे गहमारी बाबू ने करवाया था, उसके बाद 6 दशक तक ये काम लटका रहा। इंडी पार्टियों की कितनी सरकारें आई, सरकारें आई और चली गई, लेकिन पुल नहीं बना। पुल तब बना जब आपने मोदी को आपकी सेवा का अवसर दिया। और ये मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी का जो सपना था वो मैंने यहां आकर के इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। साथियों, काम लटकाने और हक मारने में तो कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारे सेना के वीर जवानों को वन रैंक वन पेंशन तक नहीं मिलने दी थी। वन रैंक वन पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया और कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उसके बाद मेरी पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की हुई और वहां मैंने कहा था कि मैं वन रैंक वन पेंशन लागू करूंगा। कांग्रेस वाले घबरा गए, ये मोदी ने घोषणा कर दी, अब करे क्या। तो उन्होंने आनन फानन में हरेक की आंख में धूल झांक करके बजट में
500 करोड़ रुपया डाल दिया और लिख लिया ओआरओपी करेंगे और फिर देश भर में एक्स सर्विसमैन के सम्मेलन किए। शाहजादे वहां जाकर के नाच रहे थे कि ओआरओपी ओआरओपी ओआरओपी। जब आपने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और मैंने पहले ही काम खोला, मैंने कहा लाओ भाई क्या हुआ, मैं चौंक गया। 21वीं सदी में आज कम्युनिकेशन का इतना बड़ा जमाना, पढ़े लिखे नौजवान, इन्होंने कैसे सेना के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने 500 करोड़ रुपया लिख करके वन रैंक वन पेंशन टोकनिज्म किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, वन रैंक वन पेंशन लागू करने में, ओआरओपी लागू करने में अब तक 1,25,00,000 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को खाते में जमा करा दिए गए। अब कोई मुझे बताए भाई, 1,25,00,000 करोड़ की जरूरत, उसके सामने 500 करोड़ का ड्रामा, ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? ये बेईमानी है कि नहीं है? ये पूर्व सैनिकों का अपमान है कि नहीं है? साथियों, गाजीपुर हो, यूपी हो या पूरा देश हो, परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। मोदी ने जो काम किए उनसे गरीब का जीवन बदला। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये कैसे हुआ? 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी से बाहर निकले कैसे हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट की ताकत है जिसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। आपके वोट ने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की योजनाओं ने गरीब को सशक्त बना दिया। और इसलिए इस पुण्य के हकदार अगर कोई है तो आपका एक एक वोट उसका हकदार है। हमने 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास दिए, हमने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंक में खाते दिलवाए, हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हम हर घर जल पहुंचा रहे हैं। आज किसी गरीब को इलाज के लिए अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ती, उसके पास मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है। और हम तो जानते हैं, मैं तो गरीबी से निकला हूं, मैं गरीबी को जिया हूं, गरीबों के बीच में पला बड़ा हूं, और इसलिए मैं अपने जीवन को आंखों के सामने जो चीजें देखी थी। आज भी अगर कोई गरीब मां बीमार हो जाती है तो परिवार में किसी को भी पता नहीं चलने देती
कि उसे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। वो मां दिन भर काम करती रहती है, पीड़ा सहती रहती है, परिवार में बच्चों को पता नहीं चलने देती कि मुझे इतनी बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मां के मन में एक भाव रहता है कि अगर परिवार में पता चलेगा बच्चों को कि मैं बीमार हूं तो मुझे बच्चे मुझे अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल में भारी भरकम खर्चा हो जाएगा,